खरगोन शहर के एक सेवानिवृत्त एमपीपी कर्मचारी ने बस स्टैंड क्षेत्र में एक अगरबत्ती दुकान के बाहर मिले 1 लाख रुपए से अधिक की राशि से भरे बैग को उसके असल मालिक को लौटाकर साबित कर दिया कि समाज में अच्छे सच्चे और ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। व्यवसायी विष्णु शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड पर उनकी अगरबत्ती की दुकान है। शुक्रवार रात 9 बजे दुकान मंगल करने के बाद वह जल्दबाजी में रुपए से भरा बैग दुकान के बाहर ही छोड़ गए थे। घर पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि बैग भूल गए। उक्त बैग ब्रजविहार कॉलोनी निवासी पूरन जायसवाल ने दुकान के बाहर देख कर पुलिस को बुला लिया था। जायसवाल की सतर्कता ईमानदारी से उन्हें ये राशि मिल गयी। शर्मा ने जायसवाल और पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि कई बार लोग थोड़े से रुपए के लिए नियत खराब कर लेते हैं, लेकिन जायसवाल ने उन्हें इतनी बड़ी राशि लौटा दी। यह राशि उन्हें अगरबत्ती व्यापारी को देनी थी। बैंक स्लिप भी बैग में भर कर रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। 9:30 बजे दुकान मंगल करी थी, काउंटर पे बैग रखा और शटर लगी और मैं गाड़ी लेके घर चला गया। घर देखा तो बैग नहीं लाया मैं, तो फिर मैं जस्ट दुकान पे आया तो एक जायसवाल जी को मिले थे, तो उन्हें थाने में जमा कर दिया। मैं थाने में गया तो वहाँ से पता चला कि हाँ पैसे कुछ बैग आया हुआ है। पूरे पैसे मिल गए? पूरे पैसे मिले। कितनी राशि मिली? 1,08,200। पुलिस द्वारा आपको वापस किया? हाँ वापस किया पुलिस। पुलिस और जिन्होंने जायसवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि उनने इतनी ईमानदारी के साथ ईमानदारी पेश की और थाने में पैसा जमा करवाया। क्या नाम लिखा? विष्णु शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।